अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको खुश आमदीद करता हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, वो ये है कि हमने जो वीडियोस बना रहे हैं इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, काफ़ी ज़्यादा प्लेलिस्ट मुख्तलिफ प्रोफेशंस के हवाले से। लेकिन इसकी जो आज की वीडियो के रिलेटेड हमारे पास प्लेलिस्ट है वो है रिक्वायर्ड मतलब कि स्किल्स फॉर प्रोफेशनल्स, कि आपको मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में जो आपके पास प्रोफेशन है उनमें आपको जो जो स्किल्स चाहिए उसके हवाले से मुकम्मल उस वीडियो प्लेलिस्ट में आपको जब गाइड मिल जाएगी। तो ज़रूर उस प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करें, आपको मुख्तलिफ प्रोफेशंस के हवाले से मुख्तलिफ स्किल्स मिल जाएंगे जिनके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, और आज की वीडियो हमारी है कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल मार्केटिंग रिसर्चर फॉर बींग दिस स्किल्स जो आपके पास अभी मौजूद होंगी जो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपके पास पहले से मौजूद हैं तो यकीन जब आप मार्केटिंग रिसर्चर की फील्ड में जा रहे होंगे तो आपके पास ये पहले से मौजूद होंगी, मैं मुझे पूरा यकीन है। और जब आप इन स्किल्स को पॉलिश करेंगे अगर आपके पास होंगी, अगर नहीं है तो इनको आप मतलब क्रिएट कर सकते हैं, इनको आप हैबिट्स के तौर पर ले सकते हैं। जब आपके पास होती है तो आप इनको पॉलिश करते हैं, अच्छे तरीके से निखारते हैं और सामने आती हैं तो बहुत अच्छी जो है वो उसकी एक सूरत बनकर नतीजा निकलता है। ठीक है, तो आज की मतलब आगे चलते हैं स्किल्स के ऊपर। आज जो टोटल मैं आपको 5 स्किल्स बताने वाला हूँ जो कि मार्केटिंग रिसर्चर के पास होनी चाहिए। अगर आपने उस फील्ड में कामयाब होना है मार्केटिंग की फील्ड में, तो आपको ये स्किल्स जो है बहुत जल्दी जो है कामयाब कर सकते हैं या अपनी फील्ड में ग्रो कर सकती है। तो सबसे पहली स्किल हमारे पास आती है लोगों से मिलने की स्किल। लोगों से मिलने की स्किल क्यों ज़रूरी है? लोगों से मिलने की स्किल इसलिए ज़रूरी है कि ताकि जब आप मुख्तलिफ तरह की जब इंटरव्यूज़ करते हैं, सर्वे करते हैं, उसमें मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन आपके पास होते हैं। देखें, जब आप ऑनलाइन सर्वे करते हैं तो उसमें आपके पास चाहिए क्वेश्चन लिखा होता है तो ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं, एड्स लगा देते हैं, तो आपके पास जो मुख्तलिफ आंसर्स आ जाते हैं। लेकिन जब आप ऑफलाइन किसी का इंटरव्यू कर रहे होते हैं या मुख्तलिफ लोगों का इंटरव्यूज कर रहे होते हैं तो आपके पास एक सवालनामा आपने जब तैयार करना है तो आपने उनका लोगों का इंटरव्यू ऐसे पूछना होता है कि लोग मुतमिन रहें, ताकि लोगों की मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के बारे में इतनी ज़्यादा मालूम नहीं आपने लेनी कि जिससे जो वो मतलब कि जो एक बंदा जिसको अच्छा फील ना, वो इस इंटरव्यू में बिल्कुल अच्छा फील ना करे और वो मतलब कि उठ के जा भी सकता है, उसको बुरा महसूस हो रहा है, नेक्स्ट टाइम आपके साथ जो है ना हो सकता है वो आप जिस मतलब कि प्रोडक्ट के हवाले से उसका इंटरव्यू कर रहे हैं उसको वो पसंद आया तो वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना छोड़ दे। इस तरह की काफ़ी सारी सिचुएशन मुख्तलिफ सिचुएशन आपके पास जो वो हो सकती है। तो पहली स्किल आपके पास बातचीत करने की, ताकि लोगों को आप मुतमिन रख सकें, आप लोगों के साथ बातचीत अच्छी तरीके से करना जानते हो। तो दूसरी स्किल हमारे पास जो आती है वो आती है लिखने की स्किल। लिखने की स्किल क्यों ज़रूरी है इस फील्ड में? लिखने की स्किल ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन किसी भी तरह से देखा जाए तो बेहद ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप लिखते हैं, अपनी रिपोर्ट सर्वे करवाते हैं, जब आप किसी से सवालनामा तैयार करते हैं तो उसमें आप जब लिखते हैं तो लिखने की महारत जब तक आपके पास अच्छी तरह से नहीं होगी आप बेहतरीन सा सवालनामा तैयार नहीं कर पाएंगे। जब बेहतरीन सवालनामा तैयार नहीं करेंगे तो आपकी जो रिसर्च होगी उसका निचोड़ जो आप निकालेंगे वो थोड़ा बहुत इनएक्यूरेट जिसको कह सकते हैं हो सकता है, क्योंकि आपने जो इन्फॉर्मेशन ली होती है वो आपकी की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको आप लेते हैं। जब आप अच्छा सवालनामा तैयार करते हैं तो आपको उन क्वेश्चंस के अच्छे आंसर्स मिलते हैं, तो उसके ऊपर उसकी बेस के ऊपर आप जब अच्छा मतलब के ले सकते हैं। जब आप मुख्तलिफ क्वेश्चंस चाहे ऑफलाइन भी कर रहे हो या ऑनलाइन भी कर रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन भी हमारे पास जब सर्वे करते हैं तो उसमें क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास वो बेहद ज़रूरी होते हैं और ऐसे होते हैं कि हर मतलब कंट्री का बंदा जो है वो कर सके, या किसी और कंट्री के किसी एरिए को जो है वो मतलब कि कर रहे हैं टारगेट के, उसके ऊपर से हमें ऑडियंस चाहिए, उसके मतलब आंसर्स चाहिए, तो उस हवाले से आपको उस कंट्री के मतलब के जो आपके पास एरिया होता है उसको टारगेट कर रहे होते हैं, उसकी आपको पॉपुलेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो आपके पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से सवालनामा तैयार कर पाएँ और लिखने की महारत जो है इसमें ताकि इस्तेमाल कर पाएँ और बहुत ज़्यादा आप जब इसमें कामयाब हो सकते हैं अगर आप ये चीज़ करते हैं। तो उसके बाद तीसरे नंबर की स्किल कौन सी हमारे पास? तीसरे नंबर की स्किल आती है तहकीक। जो आपके पास मैनेजमेंट होती है ना, मैनेजमेंट आपको मैनेजमेंट करना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिसको आप कह सकते हैं, वो आपके पास होना चाहिए कि आपका जो टारगेट है उसको वक्त पर कम्प्लीट करें। वक्त पर कम्प्लीट करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप बहुत जल्दी या कम्प्लीट कर दें, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन रह सकती है। तो जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपके पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने ये प्रोजेक्ट इस साल कंप्लीट करना है, 6 महीने में कंप्लीट करना है, 3 महीने में करना है, एड्स ऑन जितना भी आप जो करना चाहें इसको देख सकते हैं। लेकिन जितना प्रोजेक्ट होता है उसके वाले से आप ये जरूर अपने जहन में रखें कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, और मतलब कि राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें, कोई रॉन्ग मतलब इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। या आप एट अ टाइम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें, जाहिर जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो आप एज अ मतलब कि मार्केटिंग रिसर्चर काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, यानी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपके लिंक्स भी होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ आपके लिंक्स बने होते हैं कि आप उनको डेटा देना होता है या फिर उनसे डेटा लेना होता है, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें मैनेजमेंट में आती हैं, तो आपको इनको मैनेज करना बेहतरीन तरीके से आना चाहिए अगर आपने मार्केटिंग रिसर्चर की फील्ड में आगे कामयाब होना है। उसके बाद नेक्स्ट स्किल जो हमारे पास आती है वो आती है रिसर्च के बाद रिपोर्ट पर तवज्जो।
ये रिसर्च के बाद तो रिपोर्ट पर तवज्जो क्यों जरूरी है? देखें, जब आप मुकम्मल रिसर्च करते हैं इतना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगता है। आपको मैंने जैसे पहले बताया था, 6 महीने, 1 साल, 10 साल, 20 साल की, जिसको कह सकते हैं, जब आपने कोई बुक ऐसी देखी होगी जिसमें एक मतलब ऑथर ने काफ़ी ज़्यादा सालों तक रिसर्च किया, उसके बाद उसका नतीजा निकला है, और उसका नतीजा 10 से 15 की पॉइंट्स निकले हैं, तो आप इसके ऊपर अंदाज़ा कर सकते हैं जब आप रिसर्च करते हैं तो आपका कितना मतलब के वक्त लगता है। लेकिन उसके बाद जब आपने रिसर्च के बाद तवज्जो करनी होती है किसी भी रिसर्च के हवाले से, उसके बाद कि आपने इसके अंदर क्या क्या मालूमात देखी हैं, क्या क्या आपको इसमें मालूमात मिली हैं, तो मुकम्मल तौर पे इसके हवाले से जब आप देखते हैं तो इसका रिजल्ट जो आता है, आपके पास नतीजा आता है, उसके ऊपर मुकम्मल आपने इसकी बारियों की बारीकी के ऊपर तवज्जो देखनी होती है कि कौन से लोग किस प्रोडक्ट को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने प्रोडक्ट के हवाले से रिसर्च की है, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी बेसिकली वजह क्या है, या फिर ये कर रहे हैं तो इसकी क्या की पॉइंट्स ये अपने एड्स में शो करते हैं, सर्वेज में शो करते हैं, या इनकी कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ये मतलब कि हाईलाइट करते हैं कि ये चीज़ हमारे पास मौजूद है, वो क्या बारीकियाँ हैं जिसे हम अगर हमारे पास भी हों तो हम भी बहुत जल्दी जो है कामयाब कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी क्लाइंट के लिए जो है वो कलेक्ट हो रही होती है, तो जब आप उनको देते हैं तो उनका बेसिकली उनको फ़ायदा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है जब आप उनको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। जब आप इसका अच्छा नतीजा नहीं निकाल सकेंगे तो इन्फॉर्मेशन जो है वो इतनी अच्छे तरीके से नहीं जा सकेगी, इसलिए आप जो है रिसर्च के बाद आपके पास ऐसी अहलियत होनी चाहिए कि आप बहुत अच्छे जो है उसको जान सकें, परख सकें, ताकि आपके पास बेहतरीन नतीजा जो है वो उस रिसर्च के बाद आ सके। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास आता है स्किल, वो आती है रियाजी की स्किल। रियाजी की स्किल इस फील्ड में क्यों जरूरी है? मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जिसका टाइटल था हाउ टू बिकम अ गुड मार्केट रिसर्चर, जो कि हमारे पास मौजूद है इन उर्दू एंड हिंदी भी आप कह सकते हो, उसमें मैंने आपको बताया था। तो ये आपके लिए क्यों जरूरी है रियाजी की स्किल? रियाजी की स्किल इस फील्ड में बेहद जरूरी है। मैंने डिग्रीज के हवाले से भी पिछली वीडियो में बताया था कि कौन कौन सी डिग्रीज आपको जब वो चाहिए होंगी, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इसके हवाले से, रियाजी के हवाले से बताऊँगा ये क्यों जरूरी है। सॉरी, जब आप मुख्तलिफ डिग्रीज मतलब डेटा इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ज़ाहिर है वो एक जगह से सारा नहीं कर रहे होते, तो मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ कंट्रीज से हो सकता है, मुख्तलिफ सिटीज से हो सकता है, मुख्तलिफ फॉरेन कंट्रीज जो हमारे पास होती है उनसे हो सकता है। तो जब आप ये डेटा कलेक्ट करते हैं तो उनको मतलब के मर्ज करना, या फिर उनको देखना कि ये डेटा कौन से मंथ में कौन सी डेट को इशू हुआ था, कौन सी डेट को कलेक्ट किया गया था, या कौन सी डेट्स को, जैसे अगर बात की जाए कि अगर सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है तो उसमें जो है वो सिर्फ सर्दियों का मौसम कौन से महीने से लेकर कौन से महीने होता है, तो उसके वाले से आप कौन से प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सेल कर सकते हैं। जब उस प्रोडक्ट्स के वाले से आप मतलब कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये नतीजा होता है, रिसर्च आपके पास कंप्लीट होती है। जब आपके पास मैथ की अच्छी नॉलेज होगी तो आप देखेंगे कि बार या 7-8 मंथ से जो वो ऊपर करते हैं, उसके बाद 1-2 मंथ तक जब हमारे पास, या 3-4 मंथ तक जो है सर्दियाँ होती हैं हमारे पास, तो उसमें हमारे पास ये क्लोथ सेल होते हैं, ये कैप सेल होती हैं, ये वॉचेस सेल होती है, इस तरह की ज़्यादा चीज़ें जब वो हमारे पास वैरायटी ज़्यादा सेल होती हैं, तो उसके ऊपर अगर रिसर्च हम करते हैं तो कौन सी कंपनी किस तरह की ज़्यादा फरोख्त कर रही हैं। तो इस तरह की जब आप नॉलेज बेस्ड चीज़ें करते हैं तो आपके पास मैथ्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कौन से मंथ में, कौन से डे को, कौन से ईयर को, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा सेल हुई थी, या कौन सा नया ट्रेंड आया था, कौन से वक्त। लेकिन उसके ऊपर जब आपने मार्केट रिसर्च की होगी तो आपको ज़ाहिर उसके बारे में पता होगा। जब आप इसके ऊपर मैथ्स अप्लाई करेंगे, रियाजी अप्लाई करेंगे, या इसके ऊपर मैंने डिग्रीज के वाले से पिछली एक और में बताया था, काफ़ी ज़्यादा डिग्रीज मैंने बताई थी आपको, उसमें एक डिग्री स्टैट्स की भी थी। स्टैट्स में बिल्कुल यही काम मैथ्स के रिलेटेड होता है, लेकिन ये चार्ट्स में होते हैं, एनालिटिक्स की तरह होता है, तो इसमें आप मुख्तलिफ तरह की काफी ज्यादा जो है वो इसमें कर सकते हैं कैलकुलेशंस। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको मैथ्स और स्टैट्स की स्किल लाजमी तौर पर होनी चाहिए, स्टैट्स की नहीं तो ज़्यादातर मैथ्स की स्किल आपके पास जो है ना होनी चाहिए, ताकि आप इस फील्ड में कामयाब हो सके। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करेंगे, इसमें कुछ भी आपको अच्छा सुनने को, देखने को और जानने को मिला हो, तो इंशाल्लाह मिलते फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।